यहाँ पर मौजूद है, इनसे बात करेंगे। और सर, विधानसभा अध्यक्ष पूर्व में जो रह चुके सीपी जोशी जी, उनको आपने हराया, क्या कहना चाहेंगे? बेशक सीपी जोशी साहब ने बहुत जोर लगाया, उनके अनुभव के सामने मैं चुनाव लड़ने के नाते नया था, परंतु हम भी 50 साल से संगठन का ही काम कर रहे हैं, अनेक स्थानों पर अनेक चुनाव लड़ने लड़ाने का अनुभव है। और मुद्दे की बात यह कि जनता कांग्रेस को देश की बागडोर देना नहीं चाहती, जनता चाहती थी और चाहती है कि मोदी जी अपना तीसरा कार्यकाल करें, और ये जन आदेश मोदी जी के लिए मिला है। इस बार के लोकसभा चुनाव में जहां शेखावटी ने भाजपा को नाराज किया है, या उसी तरफ मेवाड़ ने भाजपा को काफी खुश कर दिया, क्या कहना? देखिए, मेवाड़, मारवाड़, हाडोती भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रवादी विचार के परंपरागत गढ़ हैं, और शेखावटी में पार्टी मजबूत हो रही है, उसकी तुलना इससे नहीं हो सकती। आप विधानसभा चुनाव देख लीजिए, पिछले चुनाव के एनालिसिस भी देख लीजिए, फिर भी कुछ सीटें कम आई हैं। भाजपा किसी एक नेतृत्व की पार्टी नहीं है, सामूहिक निर्णय होते हैं, सामूहिक साझेदारी होती है, और इसीलिए यश भी सबको मिलता है, और यदि कमी है तो सब मिल बैठकर विचार करेंगे और कमी को दुरुस्त करके आने वाले समय में अच्छे परिणाम के लिए कार्य योजना बनाएंगे। शेखावटी में भाई साहब, क्या लगता है आपको, राहुल कसवा और रविन्द्र भाटी हार के प्रमुख कारण रहे? मैं चुनाव में व्यस्त रहा, इस तरह का अपडेट मेरे पास नहीं है, जानकारी मैं भी हासिल करूंगा। अब आगे आने वाले समय में भीलवाड़ा की जनता आपको बहुत आशा भरी निगाह से देख रही है, क्या कुछ सौगात आप भीलवाड़ा की जनता के लिए लाने वाले हैं? भीलवाड़ा को टेक्सटाइल पार्क आना चाहिए, भीलवाड़ा इज ए टेक्सटाइल सिटी, और भीलवाड़ा में रोजगार के सृजन के अन्य अवसर तलाशने चाहिए, मेरी सर्वोच्च प्राथमिकता इस पर रहेगी। केंद्र में अपनी क्या भूमिका देखते हैं? केंद्र में सांसद की भूमिका रहेगी, जागरूक सांसद की भूमिका रहेगी, मंत्रिमंडल पद सक्रिय सांसद की भूमिका रहेगी, और पार्टी जो आदेश निर्देश देगी उसका पालना होगी। हमारे साथ थे दामोदर अग्रवाल जी, और इनका साफ तौर पर कहना है कि मेवाड़ की जनता ने इन्हें आशीर्वाद दिया है, और उनकी आशाओं पर, आकांक्षाओं पर ये खरे उतरेंगे। और भीलवाड़ा के बारे में विशेष तौर पर उन्होंने कहा कि टेक्सटाइल पार्क की यहाँ पर विशेष आवश्यकता है, उस आवश्यकता को जरूर पूरी करेंगे। सहयोगी कैमरामैन अजय के साथ उमंग माथुर, जनता दरबार।